भी है, कोई एग्रीकल्चर है, कोई इंडस्ट्रीज है, कौन सा रोजगार है जो मैं अपने लोगों को उसकी जो है वो अपने बाल बच्चों का जो है वो पेट भर सके। यही तो हमारा रोजगार है उनके लिए, इस पे कोई पाबंदी नहीं होना चाहिए। मैं हमने फेडरल को भी जवाब दिया, भाई ये तो रोजगार रोजगार को बंद नहीं करना चाहिए। आप स्मगलिंग का नाम अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हो, स्मगलिंग वो लोग समझते हैं कि पता नहीं किस चीज़ की स्मगलिंग हो रही है, इंसानों की स्मगलिंग हो रही है। बाबा उसको रोक लो, जो हमारे अभी कश्तियों में जो है 250 लोग जो है वो समंदर के नज़र हो गए, और वो इंसानी स्मगलिंग कितना बड़ा गुनाह है। आप उन मंशियात को रोको जो तबाही की तरफ हमें ले जा रहे हैं, जो जो स्मगलिंग हो रही है। आप असलहे की स्मगलिंग को रोक दे, आप तबाही की स्मगलिंग को रोक दे जो हमारा मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। आप टायर ये जो कपड़ा और पेट्रोल और डीजल, ये तो रोज़गार है हमारे, हम इसके हक में हैं, हमारी गवर्नमेंट इसके हक में है, हमारी पार्टियाँ और म्यूनिसिपल पार्टीज के हक में। कभी बीच को बंद करने की इंशाल्लाह हम जो है इजाज़त नहीं दी। खसारा हमारा रेवेन्यू जनरेशन जो हम बढ़ाएंगे, हमारे रिसेप्ट होता है। हम सोचते हैं कि इस दफ़ा हमारी कमाई जो है फॉर एग्जांपल 1 रुपये से 50 रुपये तक पहुँचेगी। हम वो कैलकुलेशन करते हैं, हमें फेडरल से अगर 2 रुपये मिलते हैं तो हम अपने उस रिसेप्ट में इजाफा करके या अपने फार्मूले को रिवाइज करके हम इधर मिले। हमें PPL से 55 अरब रुपये मिल रहे हैं, हम उसको भी देखते हैं। हमें ब्रिज फाइनेंसिंग में फेडरल हमारा कर्जदार है 6 अरब रुपये। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था सैलाब अफगान के लिए 10 अरब रुपये। इस सब को हम देख के फिर वो खसारा इसी से हम पूरा कर देते हैं। अगर वो नहीं आता है फिर हम इसको कम रखते हैं। तो ये थोड़ा हम ऐसा खसारा नहीं रखते हैं जिससे बोझ होगा और बलूचिस्तान को नुकसान होता है। टैक्स फ्री जोन इसको डिक्लेयर किया तो हम यही चाहते हैं कि इन्वेस्टर आ जाए, ग्वादर से बेले तक, बेले से हब तक, और हब से लेके चमन तक, चमन से जोग तक, जोग से तिप्तान तक हमारे इस बॉर्डर पे इन्वेस्टर आएंगे। हम इंडस्ट्रियल जोन को जो है उसको आबाद करेंगे। हमारी कोशिश यही है कि हम बलूचिस्तान के गरीब आवाम के लिए बेहतर से बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए हर सेक्टर को जो है वो हम फोकस करेंगे।